नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में, यहां पर टोटल मिलाकर 10 जोन है रणथंभौर नेशनल पार्क में, आज हम रूट नंबर यानी कि जोन नंबर 6 में सफारी कर रहे हैं सर के साथ। सर हमारे साथ आज ड्राइवर हैं, लेकिन ये ड्राइवर से ज़्यादा यहाँ पर गाइड हैं हमारे साथ। गाइड सर हैं, उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है। जी सर, मैं ड्राइवर हूँ जी, इसकी वगैरह कैंटर वगैरह गाड़ियाँ चलाता हूँ पार्क जी। और आज हमारे साथ गाइड सर हैं। सर आपका नाम? राम अवतार गुजर है मेरा नाम। राम अवतार गुजर सर, सर थोड़ा सा इस नेशनल पार्क के बारे में बताइए, जोन नंबर 6 के बारे में। देखो ये जोन नंबर 6 है, और जोन नंबर 6 पे चार टाइगर का मूवमेंट रहता है। जी जी, मेन तो T8 है लाडली जी, और इसकी एक बच्ची है जी 127 जी, लक्ष्मी नाम है उसका जी। और मेल टाइगर T58 टाउन, वो चार जोन कवर करता है। अच्छा, जोन 7, जोन 8, जोन 10, जोन 6। अच्छा, और नूर है 39 जी, तो जोन नंबर 1 पे भी रहती है, जोन नंबर 6 पे भी आती है, पे भी आती है। और टाइगर के अलावा देखो यहाँ पे लेपर्ड भी है, स्लोथ बेयर अच्छा, भी है, बालू भी है, हाइना भी है, जैकोल भी है, जिराकल है जी। लेकिन लक और चांस का वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल है जी जी, जी। क्या फिक्स जगह तो होती नहीं, फिक्स जगह होती नहीं। तो अभी हमें गाइड और जिप्सी अलॉट हो चुकी है, और अब हम चल रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में सफारी के लिए। यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं जोन नंबर 6 में सफारी करते हुए, और ये जोन नंबर 6 का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया, बहुत ही सुंदर वेजिटेशन के साथ। यहाँ पर अलग अलग वेजिटेशन के प्लांट्स हैं, और मोस्टली यहाँ पर धोंक के पेड़ है लगभग 75-80% तक जो पेड़ हैं धोंक के, वैसे मिक्स वेजिटेशन है। सर ये वेजिटेशन के बारे में बताइएगा यहाँ का। यहाँ पर देखो 80% में डॉग ट्री है, साइंटिफिक नेम एनोगेसिस पेंडुला जी। तो ये जो है पतझड़ बारिश के टाइम, जैसे बारिश का सीजन आता है जी, वैसे हरे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे जिस बारिश सीजन जाता है उस तरह से फिर पतझड़ वाला जंगल है जी जी जी। 20% में ऐसे पेड़ है जो पूरे साल हरे रहते हैं। अच्छा, जैसे बरगद, पीपल, आम, नीम, और ये जो ब्लैक बेरी, ये जो है जामुन, इस तरह के पेड़ 20% में है इस जंगल के अंदर। अच्छा, हम ये डॉक्टरी देख रहे हैं आप, ये साइड में उधर में डॉक्टरी है, डॉक्टरी कुछ एकेसिया जो कांटे वाले पेड़ भी हैं। अच्छा, जैसे कत्थे के पेड़ है जिससे पान में लगाने वाला कत्था जो होता है। अच्छा अच्छा, जिसे मुंह लाल हो जाता है पनवाड़ लगातार, वो है। 16 स्पीसीज जो है इसमें, 16 स्पीसीज ऑफ द मैमल्स इनसाइड द पार्क, इसमें जो है 16 प्रकार के इस तरह के स्तनधारी पाए जाते हैं। अच्छा, 16 प्रकार, 16 पर टाइगर, लेपर्ड, जैकोल, हाइना, स्लोथ बियर, ब्लू बुल, इंडियन गजल, पार्क्यूपाइन, फॉक्स, कबर बिज्जू, स्क्वेरिल, मंगूस एंड सीबैक्स। अच्छा, और सर यहाँ पर जैसे टाइगर को फाइंड आउट करने के लिए क्या फुटप्रिंट और कॉल, अलार्मिंग कॉल चलाते टाइम हम गाड़ी रोड पे फुटप्रिंट देखते हैं, उसी हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और कारों से अलार्मिंग कॉल ये सुनते हैं, वार्निंग, चेतावनी वाली, जिससे कि सभी जानवर अपने आप को बचाएं। ये मेल स्पॉटेड डियर है, ये इनका नाम है, साइंटिफिक नेम एक्सिस एक्सिस है, एक्सिस एक्सिस। और अलार्मिंग कॉल एक मुँह से एक आवाज़ निकालते हैं जिसको सुन के सभी जानवर अपना चेतावनी होती है, बचें इससे नहीं तो मर जाएंगे, खा जानवर खा टाइगर खा जाएगा, हम मर जाएंगे। अच्छा, बहुत ही छोटा सा बच्चा, हाँ ये शायद 1-2 दिन का बच्चा होगा, अभी छोटा बच्चा है। हाँ ये बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ऊपर से बंदर पेड़ से कुछ फल और पत्तियाँ गिराते हैं, और ये डियर प्रजाति के जो ये स्पॉटेड डियर से जो आप देख रहे हैं ये नीचे उनको खाते हैं, ये अच्छे फ्रेंड होते हैं। कभी कभी ऐसा जंगल में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ जोन नंबर 6 में चार टाइगर का मूवमेंट है, चार टाइगर का मूवमेंट है। सो नाउ वी आर गोइंग डीप डाउन इन द फॉरेस्ट, एज यू कैन सी इन माई बैक कि बहुत ही घना जंगल है जिसके और हम बढ़ते जा रहे हैं, और इस जंगल में अब हम बाकी जंगली जानवरों को स्पॉट कर रहे हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं अलर्ट होते हुए कि कहीं हमें वार्निंग कॉल, अलार्म कॉल सुनाई दे और हम टाइगर को यहाँ पर स्पॉट कर सकें। वैसे देखिए जंगल के बीच में कई सारे जंगली जानवर यूँ ही दिखाई दे जाते हैं, यहाँ पर मोर है, ये देखिए मोर है, हिरन है, और भी कई सारे, देखिए हिरन इस तरफ भी आपको दिखाई देंगे, काफ़ी सारे हिरन हैं। और काफ़ी सुंदर सा रास्ता है ये जोन नंबर 6 का, और ये बरसाती नाला है ना? हाँ जी, ये बरसाती नाला है, बारिश में काफ़ी पानी आता है इसमें, पूरा इकट्ठा होके बारिश का पानी बहता है।
देखिए जंगल सफारी के दौरान ये ज़रूरी नहीं है कि हमको टाइगर ही स्पॉट हो, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ के अदर जंगली जानवर भी हैं जो भी दिखाई देते हैं। एक नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है, बहुत ब्यूटीफुल फील होता है जो कि हम ले सकते हैं जंगल सफारी के दौरान। और इतना सुंदर खूबसूरत जंगल जो कि एक यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैन का ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। कैमरा है ये पेड़ के ऊपर लगा हुआ है, ये ऐसे कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा कैमरे लगे हैं। हाँ जी, कभी भी कोई भी जानवर निकलता है तो तुरंत फोटो आ जाती है। इसमें मेमोरी कार्ड होता है, बैटरी है। अच्छा। उसको सब चेक करते हैं, डिपार्टमेंट का आते हैं चेक करके। अच्छा। जाते हैं, इसको लेके जाते हैं, फोटो देख रहे कैमरा बोलते हैं इसको, फोटो ट्रिप कैमरा। ऐसे जंगल में बहुत सारे होंगे। हाँ, को कई जगह पे लगे हुए, कई जगह पे लगे हुए जानवरों की कंडीशन पता करने के लिए। जानवर की कंडीशन। जोन नंबर 6 का रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, बिल्कुल हरियाली से भरपूर मिक्स वेजिटेशन है। यहाँ पर आपको खजूर के पेड़, धोंक के पेड़, बहुत सारी वेराइटीज़ के जो पेड़ हैं यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ पर देखिए पत्तियाँ नीचे जो गिरी हुई हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही। बहुत ही सुंदर सा सीन है जो कि आप देख सकते हैं जोन नंबर 6 में रणथंभौर नेशनल पार्क के। और यहाँ पर देखिए बंदर कुछ इस तरह से छिपे बैठे रहते हैं बिल्कुल पेड़ के साइड में, क्योंकि गर्मी का टाइम है और इन सभी को शेड चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट में इनके पास कोई छत नहीं है, ये जंगल ही इनकी छत है। कोई इनके पास एसी, कूलर कुछ नहीं होता, इनको यहीं पर इसी तरह से नेचुरल कंडीशंस में सर्वाइव करना होता है। यहाँ पर कई सारे स्पॉटेड डियर्स हैं, वहाँ पर एक नील गाय है जिसको ब्लू बुल कहते हैं, वो नील गाय एंटीलोप है। ये नील गाय है, इसको एशिया का बिगेस्ट एंटीलोप बोलते हैं। अच्छा। और ये मेल वाला है ना? ये मेल है, मेल नील गाय। इसमें रोंज, हिंदी नाम रोंज है। रोंज। अच्छा। हाँ। रोजड़ा है हमारे। रोजड़ा। रोज रोजड़ा। रोजड़ा। देखिए यहाँ पर इस तरह से जिप्सीज आती हैं, उनसे हमको पूछना होता है कि कहीं कहीं साइटिंग हुई क्या, कहीं साइटिंग हुई। अच्छा, टाइगर बैठा है। हम जोन नंबर 6 के एक ऐसे एरिया की तरफ चल रहे हैं बहुत जल्दी से, जहाँ पर टाइगर के दिखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हम उस जगह की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि हम टाइगर देखें, काफ़ी एक्साइटमेंट से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि टाइगर दिखेगा। तो चलते हैं उस जगह की तरफ। ये देखिए यहाँ पर टाइगर है, काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए टाइगर जस्ट सामने की ओर आता जा रहा है। ये देखिए, ओ यहाँ पर दो टाइगर है, अभी हम दो टाइगर को देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर से देख रहे हैं। ये देखिए दो दो टाइगर हम एक साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा साइलेंट होकर हम सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए काफ़ी सारी अलार्म कॉल और वार्निंग कॉल आ रही हैं। देखिए थोड़ा हम शांत होते हैं और उनको सुनने की कोशिश करते हैं। एक टाइगर उधर चला गया और एक यहाँ पर है। यहीं पर ये खड़ा हो चुका है, शायद किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर। काफी सारे अलार्म कॉल, वार्निंग कॉल आ रही है यहाँ पर। ये टाइगर काफी देर से यहीं पे खड़ा हुआ है, कुछ ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर। यहाँ से मूवमेंट शुरू किया, काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है हमें टाइगर की। यहाँ पर टाइगर काफ़ी पास आ चुका है। एक टाइगर तो उधर की साइड चला गया जंगल में अंदर, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
काफी अच्छे से हम इसको देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब ये भी जंगल के अंदर मूव करने को आया है और ये गया जंगल में अंदर। रणथंभौर नेशनल पार्क का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो फॉरेस्ट का है वो धोंक ट्री है, जिसे जो कि एक ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सूखे पेड़ हैं, बिल्कुल सूखे पेड़ हैं, इनमें आपको ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी क्योंकि 75 से 80% सर मैं सही बोल रहा हूँ 75 से 80% पेड़ यहाँ पर धोंक के हैं। 80% बोलो आप तो 80% पेड़ जो है जी एनोगेसिस पेंडुला साइंटिफिक नेम जी हिंदी नाम धोंक। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं जी बारिश के दिनों में पूरे हरे हरे हो जाते हैं जी, धीरे धीरे फिर ये जो पतझड़ वाले जंगल है वो झड़ के और ऐसा हो जाता है सूखा जैसा, बिल्कुल पानी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये अपने जड़ों से संचित पानी को लेते हैं और हाँ। पूरे साल जीवित रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कई सारे स्पॉटेड डियर्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए एक तो बहुत ही नज़दीक में थोड़ा सा डर के भाग गया है और यहाँ पर एक और स्पॉटेड डियर, ये मेरे सामने एक आउल बैठा हुआ है। हाँ कॉलर स्पॉट वो गया गया, ये राहुल यहाँ पे बैठा हुआ उल्लू है जो पेड़ के अंदर, इसकी दो आँखें दिख रही हैं यहाँ से। हाँ वो राहुल दो आँखें दिख रही है अंदर उसके। देखिए ये है जंगल की ब्यूटी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश एयर चल रही है बिल्कुल, जो कि नॉर्मल एयर से बिल्कुल डिफरेंट है। ये आर्टिफिशियल दुनिया का से बिल्कुल अलग है, यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, जंगली जानवर खुद सर्वाइव करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं। शेर अगर यहाँ उसको कुछ खाना खाना है तो वो शिकार करेगा, यहाँ पर हिरन अपने आप को बचाने के लिए अलार्म कॉल निकालते हैं, यहाँ पर ग्रेजिंग करने के लिए उनको कोई चारा डालने नहीं आता, यहाँ पर सेम उनको इसी तरह से वेजिटेशन जो भी यहाँ पर उगा हुआ है उनको चरना होता है, यहाँ पर ग्रेजिंग करनी होती है। सर इसको हिंदी में चीतल बोलते हैं ना? हाँ जी हिंदी में चीतल बोलते हैं, साइंटिफिक नेम एक्सिस एक्सिस है। इसकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, माइक्रोस्कोपिक आई साइट है, 1 किलोमीटर के दायरे में यदि टाइगर है जी। तो इसको ये देख लेता है और अलार्मिंग कॉल मुँह से निकालता है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट ने रणथंभौर नेशनल पार्क में कई सारे आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड्स भी बनाए हैं ताकि गर्मियों के दौरान जब जंगल में पानी सूख जाए तो जंगली जानवरों को पानी पीने में असुविधा ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड लगाए हैं। कईयों में सोलर सिस्टम लगा दिए गए हैं, कई में पंप्स लगाए गए हैं तो ताकि पानी उसमें से निकलता रहे और बीच बीच में फॉरेस्ट गार्ड्स उनकी चेकिंग भी करते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ताकि जो जंगली जानवर हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और जो आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड हैं या फिर नेचुरल वाटर पॉन्ड्स हैं उनके किनारे आपको कई सारे जंगली जानवर दिखते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे जंगली जानवर वाटर पॉन्ड्स के किनारे दिखाई देते हैं। यहाँ पर कई सारे मोर नज़र आ रहे हैं, इन फलों को जो है ये सब जानवर खाते हैं, बंदर है, हिरन जो है इधर से, यहाँ पर मोर भागते हुए। हाँ ये सब जो है मोर बहुत तेजी से रनिंग कर रहे हैं। वाह 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 वाह, कितनी तेज दौड़ते हुए जा रहा मोर सफारी के दौरान एक बीच में। वाह यहाँ पर एक पिकॉक डांस कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा सीन, एक मोर डांस कर रहा है, ये देखिए किंगफिशर भी है यहाँ पर और मोर डांस कर रहा है। यहाँ पे उतर ये चेक पोस्ट है जी, एक किंगफिशर बैठा हुआ है, एक 6 नंबर जोन की जो है जी चेक पोस्ट है जी, ये जंगल के अंदर है जी। इस जगह का नाम है पटवा बावड़ी, पटवा बावड़ी यहाँ पे हम खड़े हुए हैं जी। ये सफारी के दौरान एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहाँ उतर सकते हैं। हाँ एकमात्र सफारी के दौरान एक ऐसा पॉइंट है। अच्छा। जहाँ उतर सकते हैं कोई भी पर्यटक टूरिस्ट, अपना वॉशरूम जाने का है जी, कुछ भी है, गार्ड्स वगैरह भी यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दो गार्ड्स बैठे हुए हैं अपनी ड्यूटी करते हैं ये जी, इधर उधर जाना जी, चेक करना जी, मूवमेंट के बारे में इनके पास वायरलेस भी होता है। अच्छा, पूरी अच्छा। कर्तव्य निष्ठा से अपना काम नौकरी करते हैं जी। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा मोर डांस करते हुए, मोर डांस करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा सीन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड है जहाँ पर ये मोर डांस कर रहा है। नेवला नेवला, नेवला क्या है, स्नेक किलर होता है जी, ये सांप को मार देता है जी, जैसे खाने में छोटे मोटे जैसे चिटेरी के अंडे हैं जी जी, लेबिंग के अंडे हैं जी,
चूहे हैं जैसे खरगोश के छोटे बच्चे मिल गए इनको, तो कार्निवोरस से मतलब उनको खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। कभी तेंदू के फ्रूट नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, तो उनको भी खा लेते हैं। मतलब ओमनिवोरस टाइप का है थोड़ा, कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत हरियाली भी वाली वनस्पति वाली चीजें भी खा लेता है और ओमनिवोर मतलब मांस भी खा लेता है। मांस भी खा लेता है, मांस भी खाता है और ये भी खाता है। और जो हम देख रहे हैं ये ब्लैक टेल वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक टेल मंगूज बोलते हैं। ब्लैक टेल मंगूज बोलते हैं। इंडियन तो अपन लोकल में नेवला बोलते हैं। नेवला बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और सांप से ये सांप को मारने का है, स्नेक किलर सुबह होता है ऐसे हम बताते हैं हमारे बड़े-बड़े। अच्छा अच्छा। जानकार है पूरा जंगल में नेवला दिखने के बाद टाइगर दिखने के चांस होते हैं। टाइगर दिखने के चांसेस होते हैं। जब तक जंगल में है आस नहीं छोड़नी चाहिए, बी पॉजिटिव। जब तक सांस है जब तक आस। जब तक सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ये जी इंडियन ट्रिप आई है जी, लेबिंग है जी, ड्रोंगा है जी, पार्ट्रीज है जी, जंगल बेबलर है। जो जंगल बेबलर 5-7 चिड़िया इकट्ठे होकर चीं 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 ट्रिप बोलते हैं। अच्छा अच्छा। पार्ट्रीज भी है। अच्छा। इससे सारे ब्लैक ड्रोंगा है, बुलबुल है जी। और वो सफेद वाले जो दिखते थे वो उनका क्या नाम है? फ्लाई कैचर, इंडियन फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर बोलते हैं उनको। अच्छा। और वो जो ग्रीन कलर के वो जो पक्षी हैं उनको क्या बोलेंगे? ग्रीन पिजन। मतलब हरे कबूतर। हरे कबूतर, हरे कबूतर ऐसे बहुत कम रेयर है। सर ये जो अभी हम देख रहे हैं हिरन, ये है सांबर डियर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखो यहाँ पे दो प्रकार के डियर हैं जी, सांबर डियर और स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर। सांबर डियर बड़ा होता है जी, स्पॉटेड डियर छोटा होता है जी, और ये एंटेलर फैमिली से होता है जी जी। इनके सिंग 8 साल गिर जाते हैं जी, और 8 साल नए आते हैं। नए आते हैं। और जो इनके सिंग के अंदर क्या है, कैल्शियम होता है। तो बाद में जो डियर होते हैं ना जी, तो ये डियर ही खा लेते हैं इनको। अच्छा, सिंग को चबा लेते हैं। हाँ, कैल्शियम को कमी पूरी कर लेते हैं। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम पे ये इनको खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। और सांबर डियर की आई साइड वीक होती है। अच्छा, आई साइड का दिख नहीं पाता है ज्यादा दूर का, नहीं पाए वो बहुत अच्छा होता है, स्मेलिंग पावर ज्यादा होती है। और टाइगर का फेवरेट फूड बोलते हैं सांबर डियर को। अच्छा अच्छा। और दो प्रकार के एंटीलोप है यहाँ पे जी, बिगेस्ट एंटीलोप ब्लीबुल नील गाय, रोजड़ा रोजड़ा, स्मॉल एंटीलोप होता है इंडियन गेजल। अच्छा 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 जी जी। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग डीप डाउन इन द फॉरेस्ट फॉर द सर्च ऑफ टाइगर, क्योंकि यहाँ टाइगर देखने के चांसेस हो सकते हैं वाटर होल्स के पास में। ये टाइगर को ठंडी जगह रहना बहुत पसंद है, को टाइगर लव्स कोल्ड प्लेसेस टू लाइव। और बीच बीच में देखिए इस तरह से हमको हिरन भी नज़र आ जाते हैं बाहर बिल्कुल चलते हुए नेचुरल प्लेस में। इनको खुद के जान के लिए, खुद के फूड के लिए खुद ही यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप है जो दिखाई दे रहा है, पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा सीन। अरावली और विंध्याचल रेंज का यह मिश्रण है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में। और पूरा पथरीला एरिया है यहाँ पर, यहाँ आगे से पीछे तक देखेंगे पूरा पत्थर से घिरा हुआ एरिया है। ये सारे सांबर डियर जो ग्रेजिंग कर रहे हैं सन की बिल्कुल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होता तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सा सीन है जो भी बन रहा है। देखिए सन की डायरेक्शन में है सांबर डियर जो कि ग्रेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर सन है, बहुत ही सुंदर सा सीन है। देखिए यहाँ पर खरगोश नज़र आ रहा है, ये रहा, बहुत ही दूर है लेकिन खरगोश है नज़र आ रहे हैं जंगल के अंदर। खरगोश रैबिट हो रहा। देखिए अभी हम कर रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में इवनिंग सफारी, जो कि लगभग 3:30 से 7 बजे की है। और ये समर टाइम्स हैं, यहाँ पर टाइमिंग चेंज होते रहते हैं आपके सीज़न के हिसाब से। यहाँ पर सांबर डियर की बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे सांबर डियर यहाँ पर एक साथ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये है सांबर डियर की एक पूरी फैमिली जो कि हम एक साथ यहाँ पर स्पॉट कर रहे हैं। यहाँ पर ये मेल है, मेल सांबर डियर जो आगे आगे, और कुछ फीमेल सांबर डियर्स जो यहाँ दिख रही हैं। कुछ सांबर डियर्स के ऊपर बर्ड्स बैठे हुए हैं जो यहाँ से दिखाई दे पा रहे हैं। ये थोड़ा सा ढलान वाला रास्ता है यहाँ पर जोन नंबर 6 का। अब किधर किधर अब चल रहे हैं सर? अभी उधर पानी वाला एरिया। अच्छा अच्छा, पानी वाला एरिया। सांबर अलर्ट है, अलर्ट मोड में, यहाँ पर टाइगर होने के चांसेस हो सकते हैं। ये नील गाय, ये ब्लू बुल है, और ये मेल है, मेल नील गाय। जैसे जैसे शाम होती जाती है टाइगर के चांसेस
बढ़ते जाते हैं, टाइगर निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी शाम का वक्त थोड़ा ढलता जा रहा है, शाम करीब आती जा रही है, तो हमें बहुत चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि टाइगर हमें दिखाई देगा, टाइगर हमें स्पॉट होगा। हम उस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर दिखेगा, और बीच बीच में जो जंगली जानवर हमें स्पॉट हो रहे हैं उन सभी को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं हमारे गाइड सर और हमारे ड्राइवर सर से। यहाँ पर कॉल आई है टाइगर की और अभी हम सर्च करते हुए जा रहे हैं टाइगर की तरफ। देखिए अभी सनसेट का सीन है, यहाँ पर जो शाम है वो ढलने लगी है, जो सन है नीचे जाने लगा है और धीरे धीरे जो वातावरण है वो ठंडा होता जा रहा है। टाइगर के निकलने के चांसेस अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सीन देखते हुए यहाँ पर स्पॉटेड डियर बहुत ही नज़दीक। अरे वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, पुम्बा, जंगली सुअर है यहाँ पर। ये वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर है ये जी, जंगल में बहुत है जी। टाइगर इनको भी मार के खा लेता है। अच्छा, देखा गया है। इनमें फैट बहुत होता है ना? फैट बहुत होता है, फैट बहुत होता है। ये ओमनीवोरा है, ओमनीवोरा कुछ भी मतलब मीट भी खा लेगा और घास। वैसे जंगल वगैरह भी खाता है, जंगल के सफाई गर्मी है ना ये। मोर भी दिखाई दे रहा है इसके साथ, सभी प्रकार के जंगली जानवर जंगल में दिखाई दे। और ये देखिए यहाँ पर टाइगर है, जैसा कि गाइड सर को लग रहा था कि यहाँ पर टाइगर हो सकता है, यहाँ पर टाइगर है जो कि जस्ट हमारे पास ही आता जा रहा है। टाइगर इसी तरह से मूवमेंट करते हैं ताकि वो अपने एरिया को मार्क कर सकें, एरिया मार्किंग इसे कहते हैं। वो अपने यूरिन से और क्लो मार्क से अपने एरिया को मार्क करते हैं ताकि कोई दूसरा टाइगर वहाँ पर ना आए, उसके यूरिन की गंध से वो दूर चला जाए। अगर वो आता है तो दोनों टाइगर्स के बीच में फाइट होती है और फिर जो जीतता है उसका वो एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर ये टाइगर इसी तरह से वॉक ले रहा है। ये देखिए टाइगर ने अभी यहाँ पर अपना यूरिन स्प्रे किया, इसी तरह से ये अपनी एरिया मार्किंग करते हैं और ये टाइगर अब अपनी टेरिटरी में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, घने जंगल की ओर। लेकिन अब आगे की ओर रास्ता नहीं है, हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे इसे फॉलो करते हुए। यहाँ पर देखिए ये है स्पॉटेड डियर्स भागते हुए, काफ़ी तेज़ी से रन करते हुए स्पॉटेड डियर्स। पूरी फैमिली होती है इनकी ग्रुप्स में। इंडियन गजल, स्मॉल एंटीलोप, वाओ, स्मॉलेस्ट एंटीलोपा। अच्छा अच्छा, इंडियन गजल, इंडियन गजल, ये अलग तरह का एशिया का सबसे छोटा है। ये जो है एंटीलोप है, इसको जो है राजकीय पशु भी बोलते हैं, स्टेट एनिमल। हाँ जी, यहाँ पे दो दिख रहे हैं, चिंकारा है ये। ये बहुत कम है ना जंगल में? हाँ ये कम है जंगल में, स्पॉटेड डियर बहुत है। हाँ ये रेयरली दिखाई देते हैं जो भी हम देखते हैं जी। दोनों के सींग होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, फीमेल दोनों के सींग होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फर्क डिजाइन में फर्क होता है, उससे पहचान कर। और डांस करते हुए नजर आ रहा है, तो पीकॉक डांस बहुत ही खूबसूरत सा नजर आ रहा है। ग्रेट थिकनी, ग्रेट थिकनी, हां एक बर्ड है ग्राउंड में घूम रहा है। अच्छा, ये ग्रेट थिकनी, ये जो छोटे छोटे हैं ऐसे और भी है ना आगे की साइड, आगे। और मोर पूरा अपने पंख फैला के यहाँ पर डांसिंग मोड पे। ये देखिए मोर का बहुत ही सुंदर सा सीन। यहाँ पर मोर एक साथ बोलने लगे, चेन जो सामने देख रहे हैं। हाँ हाँ, ये दो खंभों के बीच में चेन जो बंधी हुई है। हाँ हाँ, ये रूट क्लोज की चेन है। अच्छा, इससे रूट, इससे आगे हम जाते, जो रूट आता है 6 नंबर, 1 नंबर का ज्वाइंट है ये। अच्छा, 1 नंबर इसके बाद चालू होता है, वो 1 नंबर की उधर खड़ी है। अच्छा अच्छा, उस तरफ है वो 1 नंबर जोन, वो 1 नंबर जोन में, ये 6 नंबर जोन। अच्छा, रूट क्लोज। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये रणथंभौर फोर्ट का ही एक पार्ट है, रणथंभौर फोर्ट का ही एक गेट है। और कई बार इस गेट नाम पल्ली गेट है, पल्ली दरवाजा बोलते हैं। अच्छा, पल्ली दरवाजा, पल्ली दरवाजा है ये, रणथंभौर फोर्ट का ही एक छोटा पार्ट है। और यहाँ पर कई बार टाइगर साइटिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टाइगर बैठे रहते हैं इनमें, क्योंकि यहाँ शेड रहता है।
तो टाइगर के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए अभी सनसेट का टाइम है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं शाम पड़ती जा रही है, शाम ढलती जा रही है, पर हमारा सफारी का टाइम जो है अब समाप्त होने जा रहा है। ब्यूटीफुल बर्ड, क्या बोलते हैं, पेंटेड पेंटेड। अच्छा, ग्राउंड इनसाइड द ग्राउंड। हाँ, पानी पी रहे हैं ये शायद। ये जोड़ा है पहाड़ी मुर्गी। अच्छा, देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा सीन आ रहा है। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 का आप ये देख सकते हैं, सनसेट होने वाला है यहाँ पर। और जो हिल्स हैं, हिल्स के पीछे आप ये रोशनी देख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा सीन जो कि अभी हम देख पा रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में। यहाँ पे कोई भी टाइगर या जो कोई मर जाता है ना, अच्छा, तो उसको जलाते हैं। अच्छा, हाँ, ये शमशान गए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल का। अच्छा, ये यहाँ टाइगर की मतलब अंतिम संस्कार करते हैं। अच्छा, अच्छा, टाइगर फ्यूनरल करते हैं यहाँ पे टाइगर का। अच्छा, सेट नाम की एक टाइगर खत्म हो गई थी। अच्छा, गर्दन टूटने से तो उसको यहीं जलाया था, सभी को यहीं जलाते हैं। अच्छा अच्छा, जिस दरबार से हमने एंट्री की थी जोन नंबर 6 के, उसी से यहाँ से एग्जिट करेंगे क्योंकि हमारा जो सफारी का टाइम है वो एंड हो चुका है। देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क की टिकट बुकिंग कैसे की जाती है, कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये बताया कि कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑथेंटिक प्राइजेस के साथ। और बाकी सारी जानकारी भी हमने प्रोवाइड की कि कहाँ से आपको टिकट, बोर्डिंग टिकट मिलता है, शिल्पग्राम कहाँ पर है, कितनी दूर है, जहाँ जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क का मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है, सारी जानकारी हमने उसमें प्रोवाइड की है। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और अगर आप इसी तरह की वाइल्ड लाइफ सफारी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमने कई सारे नेशनल पार्क्स में विजिट किया है, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, और जैसे कि पन्ना नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और भी कई सारे हैं जहाँ पर हमने विजिट किया है और इसी तरह के डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनके लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप इन वाइल्ड लाइफ सफारी डॉक्यूमेंट्रीज़ को इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी हमने सफारी करी रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में, काफ़ी अच्छी साइटिंग रही, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।